हाय हेलो नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरोट लवर चंदू। गाइज, आज हम आप लोग को दिखाएंगे हमारे प्रोटो को, और देखिए हमारे प्रोटो कितना क्यूट लग रहा है। और उसकी फेदर पूरा आ गया है बॉडी में, पूरे हरा भरा शरीर हो गया है उसका। और ये प्रोटो हमारा पूरे एकदम बहुत बड़ा हो गया है। और प्रोटो अभी अपने आप बास्केट के ऊपर चढ़ के ऊपर आके बैठ जाता है और नीचे भी उतर जाता है। हर एक एक्टिविटी अभी कर रहा है प्रोटो। गाइस, प्रोटो अभी जंप करना भी चालू कर दिया। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह प्रोटो ऊपर आके हम बुलाते हैं तो हमारे पास में आता है जंप करके। हमारे प्रोटो कितना क्यूट लग रहा है। जंप हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जंप में क्या उसका एक ट्रेनिंग का ये एक पार्ट है। जब हम उसको दूर से थोड़ा पहले हम लोग स्टार्टिंग किए थे, मैं रनिंग करवाता था उसको, मेरे पीछे भी जाता था खाने के लिए। मैं जहाँ जाता था वहाँ मेरा पीछे पीछे चल के आके फीडिंग लेता था। बट अभी क्या है, अभी जैसे ऊपर आके बैठा है तो उसको हम पास में बुलाएंगे तो उसमें ऊपर से वो जस्ट थोड़ा सा पंख उसका खोल के वो जंप करके यहाँ पर आएगा। और वो खोल के तो इससे क्या होगा, जैसे जंप करके मेरे पास आएगा तो उस तरह अभी तो उतना उड़ नहीं पाता है, बट धीरे धीरे जैसे उड़ना सीखेगा तो उस तरह का ये स्टार्टिंग है उसका। तो हम जंपिंग करा के उसको बुलाएंगे। अभी वो जंप करके मेरे पास आएगा और फीडिंग लेगा, फिर उसको ऊपर रखूंगा, फिर बुलाऊंगा, फिर इस तरह का दो चार बार इस तरह हम कराएंगे। उसके बाद धीरे धीरे जब उसको कंटिन्यूस उड़ना चालू करेगा तो फिर हम दूर रख के उसको बुलाएंगे फीडिंग दिखा के, तो फिर डायरेक्ट वो उड़ के हमारे हाथ में आएगा। इस तरह का उसका फ्री फ्लाइंग का ट्रेनिंग होता है। और फास्ट ट्रेनिंग आप लोग को तो मैं बताया था, जैसे फीडिंग करा के अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह का है। कमन 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 कमन, वाओ, देखे अभी जंप करके मेरे पास आ गया। मेरी थोड़ा सा फीडिंग देता हूँ और उसके बाद उसको ऊपर बैठाता हूँ फिर से जंपिंग कराने के लिए। थोड़ा सा डर रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम। ओ वेरी गुड, देखो डायरेक्ट हाथ में जंप किया एकदम फर्स्ट क्लास। धीरे धीरे मेरे सेशन सक्सेस जा रहा है क्योंकि मैं जिस तरह का सोच के इसको लाया था उस तरह का ही जा रहा है। शुरुआत दिन से ही बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मुझे। अच्छा अभी देखिए, अभी डायरेक्ट उसको मैंने बुलाया उंगली दिखा के और उसका फीडिंग दिखा के, तो डायरेक्ट हाथ में जंप किया। तो इस तरह का जब हम बाहर लेके जाएंगे और उसको फ्री फ्लाइंग कराएंगे तो तब तक तो ये फुल ट्रेन हो जाएगा। और वो जब बाहर उड़ के जाएगा तो ऐसे इस तरह का ही हाथ में उड़ के वापस रिटर्न आएगा। अभी थोड़ा उसको मैं फीडिंग करवाता हूँ। मैं बहुत YouTube पे देखा हूँ, बहुत सारे वीडियो देखा हूँ, लोग इस तरह का प्रोटो अपना पैरोट को फीडिंग देते हैं। जो कोई कोई सीरीज का आगे में एक पाइप सा लगा के देते हैं तो उससे क्या होता है, उसको तकलीफ होता है, वो गले तक डाल देते हैं। बट मैंने आज तक इस तरह का कभी फीडिंग नहीं लिया। मैं अपने हिसाब से फीडिंग लिया और मेरा सीरीज का आगे का जो हिस्सा है वो भी कभी भी अंदर नहीं जाता है। वो जिस टाइम अपना माउथ ओपन करता है उसी टाइम मैं फीडिंग देता हूँ। तब तक वो बंद करने, तब तक मैं भी अपना फीडिंग देना बंद कर देता हूँ सीरीज से। तो उससे क्या होता है, उसको थोड़ा जरा सा भी तकलीफ नहीं होता है। आप लोग देखिए किस तरह फीडिंग देता हूँ। अभी मुँह खोला, बस थोड़ा दे दिया, तब तक वो खा रहा है, फिर थोड़ा रुक गया, फिर वापस उसने फेस ओपन किया माउथ, फिर दे दिया थोड़ा है। अभी वापस दूसरा सीलिंग दे रहा हूं। अभी धीरे धीरे जिस तरह जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा और उसका ये जो लिक्विड वाला खाना है वो कम करते जाएगा और धीरे धीरे उसको हम सेल्फ फीडिंग में ले आएंगे। बट अभी तो एक महीना और उसको फीडिंग देना पड़ेगा मुझे। उसको थोड़ा डर लग रहा है, डाइनिंग पे बैठा है तो डर लग रहा है। ओ मेरे हाथ पे आ जा रहा है। क्यों बेटो डर रहा है, इसके ऊपर बैठते तो डर लगता है।
नहीं डरने का बेटा, बैठो ऊपर बैठो, देता हूं। कितना अभी इसका? मुंह खोलो। तुझे तो डाइनिंग के ऊपर बैठ के खाने में क्या डर लग रहा है क्या? पैर फिसल जा रहा है बेटा, मुंह खोलो, नहीं खाने का। वेरी गुड, बैठना नहीं चाहता है, मेरे पास जंप करके आएगा अभी। कमान कमान, डर रहा है, थोड़ा थोड़ा डर रहा है। वेरी गुड।